हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप WhatsApp के पुराने अकाउंट को खोलना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp के पुराने अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है विशाल। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। So, अब हम अपने फ़ोन पर हैं और हमें यहाँ पर सीखना है कि कैसे हम WhatsApp के पुराने ID को रिकवर कर सकते हैं। जो हमें हमारा पुराना ID है उसे हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपके सामने ये वाली ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ये वाला स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो आपको फिर क्या करना है, आपके जो WhatsApp है उसको आपको अनइंस्टॉल कर लेना है एक बार और फिर से आपको इंस्टॉल करना है। और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, या फिर आप अपने WhatsApp का क्लियर डाटा कर सकते हैं तो फिर आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको WhatsApp से बाहर आना है और इस पर आपको 2 सेकेंड के लिए प्रेस करना है। देन आपका WhatsApp का ऐप इन्फो खोल जाएगा। ऐप इन्फो पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे क्लियर डाटा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करना है तो ये जो WhatsApp का डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अब जब आप WhatsApp को ओपन करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एग्री एंड कंटिन्यू का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नंबर डालने को बोला जाएगा, तो आपको वो वाली नंबर डालना है जो आप WhatsApp का नंबर रिकवर करना चाहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि WhatsApp का कौन सा वो नंबर है जिससे मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, मतलब जो मेरा मेन अकाउंट है वो बना हुआ है। तो मेरे पास, जैसे कि मेरे पास किसी के पास 4-5 नंबर होता है, तो वो भूल जाते हैं कि किस नंबर से मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो बना हुआ है, मेन अकाउंट। तो वो नंबर को आप कैसे खोज सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करके सभी नंबर को आपको इसमें डाल लेना है। तो जैसे कि मेरे पास 2-4 नंबर है, तो मैं भूल चुका हूँ कि मेरा जो मेन अकाउंट है वो किस नंबर से है, जिसमें कि मेरा बैकअप WhatsApp का जो बैकअप है वो होते रहता है हर मंथ में या हर वीक में। तो जो मेरा मेन अकाउंट होगा उसमें मेरा जो डाटा होगा वो सभी डाटा रिकवर हो जाते हैं, तो रीस्टोर हो जाते हैं डाटा। जो मेरा चैट होता है, जितना भी चैट होता है, वो सब रीस्टोर हो जाते हैं मेरे मेन अकाउंट में। तो मैं सभी नंबर को एक एक करके इसमें देख लूँगा कि कौन सा मेरा नंबर है। तो आपको भी यहाँ पर एक एक करके सभी नंबर को आपको डाल लेना है। जो आपका पुराना ID होगा वो आपका, अगर पुराना ID मिल जाएगा तो आपका जो डाटा है वो खुद ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। तो आपको एक एक करके देख लेना है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, OTP आएगा, आपको OTP को डाल लेना है। तो OTP को डालने के बाद अब ये जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे आपको गिव मी योर प्रॉमिस का ऑप्शन आ जाएगा या फिर स्किप का प्रॉमिस ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपका ईमेल ID को डाल लेना है। लेकिन ये जो मेरा अकाउंट है वो मेरा रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो मेरा अकाउंट है ये अकाउंट मेन अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से मेरा अकाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाया। आप मेन अकाउंट को इस तरह से भी पहचान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो मेन अकाउंट होगा उसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाया होगा, तो वो आपको प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये एक पहचानने का तरीका है आपका रिकवर करने का। और दूसरा कि आप अपना नाम भी लिख लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये जो चैट है वो देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं हुआ अभी भी। तो हम इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको फिर से वही करना है तरीका। आपको WhatsApp से बाहर आना है, इस पर 2 सेकेंड के लिए प्रेस करना है, ऐप इनको में जाना है और क्लियर डाटा कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपने अभी लॉगिन किया है WhatsApp का नंबर वो हट जाएंगे और फिर से ये वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे, या फिर आप WhatsApp को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। या फिर मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है ऐप का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैनेज ऐप पर क्लिक करना है, WhatsApp को खोज लेना है। WhatsApp को खोजने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके और क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है आपको। तो इस तरह से करने के बाद आपका जो WhatsApp है वो इस तरह से क्लियर हो जाएगा और आपके पास ये वाला जो पेज है एग्री एंड कंटिन्यू का ये वाला आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है फिर से और जो मेरा नंबर है दूसरा तीसरा नंबर, वो सभी नंबर को एक एक करके आपको इसमें चेक कर लेना है। और जो आपका सही नंबर होगा, जो आपका मेन अकाउंट होगा,
उसमें आपको रीस्टोर का रिकवरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सभी नंबर को एक एक करके चेक कर लेना है। तो मैं एक दूसरा नंबर चेक कर लेता हूँ। तो ये हमने दूसरा नंबर डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक OTP जाएगा। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर जो है वो फ़ोन में ही होगा तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई ले लेगा और उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन अकाउंट है वो रिकवर हो चुका है, मेरा जो मेन अकाउंट है वो मिल चुका है। तो इस तरह से आप अपना मेन अकाउंट को खोज सकते हैं और उसके बाद आपका जो मेन अकाउंट है वो मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रीस्टोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे आपको यहाँ पर कट नहीं करना है, थोड़ा सा भी आपको कट नहीं करना है, ये आप ऑटोमेटिक जो है आपका डाटा रिकवर हो जाएगा, आपका चैट सब चीज़ बैकअप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन अकाउंट है वो मिल चुका है और यहाँ पर जो हमने लोगो लगाया था वो यहाँ पर लोगो भी मिल चुका है। तो उसके बाद आप अपना यहाँ पर नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा चैट था वो सभी बैकअप हो चुके हैं और हमारा जो पुराना आईडी था वो भी रिकवर हो चुका है। मेरा पुराना जो व्हाट्सएप का आईडी था उसमें हमने लॉगिन भी कर लिया है। तो इसी तरह से आप अपने व्हाट्सएप के पुराने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं।